Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 2 of class 7th Geography, and the chapter's name is Inside Our Earth. So first of all, if you haven't seen the first chapter, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss it. So let's start with our today's chapter, Inside Our Earth. So as you can see from the chapter's name, that in this chapter we are going to see what our earth is made up of, what lies inside our earth. So the earth, our homeland, is a dynamic planet. So dynamic ka matlab hota hai changing. Iska matlab ki hamari jo earth hai, hamara jo planet earth hai, usme hamesha kuch na kuch changes aa rahe hain, both inside and outside. Earth ke andar bhi aur earth ke bahar bhi hamesha kuch na kuch changes ho rahe hain. So aapne kabhi bhi socha hai ki hamare earth ke andar hai kya? हमारी जो अर्थ है वो किस चीज से बनी हुई है? What is the earth made up of? Now, interior of the earth. तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि हमारे अर्थ के अंदर है क्या क्या. तो जस्ट लाइक इन ओनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. तो जैसा कि आपने प्याज को देखा होगा, प्याज में काफी सारे लेयर्स होते हैं और एक एक करके आप उन लेयर्स को उतारते जाते हो. तो कुछ इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है वो भी लेयर्स से बनी हुई है. इसमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये एक लेयर है, देन ये लेयर है और फिर ये लेयर है. तो इन सभी लेयर्स के बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे कि ये लेयर्स क्या क्या हैं और कितने अंदर तक एक लेयर है. ठीक है, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. तो जो सबसे टॉप लेयर है, जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ का, उसे कहते हैं क्रस्ट. तो ये वाला जो पार्ट है जो यहाँ पे दिखाया है, ये है क्रस्ट. ये अर्थ के सभी लेयर्स में से थिनेस्ट है, सबसे पतली लेयर है अर्थ की क्रस्ट. ठीक है, सो कॉन्टिनेंटल मासेस पे जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो 35 किलोमीटर तक है और ओशियन फ्लोर्स पे ये 5 किलोमीटर तक है. तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा क्या कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओशियन फ्लोर्स, तो फॉर एग्जांपल ये हमारा क्रस्ट है, ये पूरा जो है ये हमारे क्रस्ट का लेयर है. तो इसमें क्या है, ये कॉन्टिनेंटल मासेज हैं इस तरफ. ठीक है, तो हमारे अर्थ के सर्फेस पे क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं, हमारे कंट्रीज हैं जिसमें हम रहते हैं. ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं और कुछ ओशियंस हैं. तो ये वाला लेयर मान लो कॉन्टिनेंट्स का है और यहाँ नीचे जाके यहाँ पे सिर्फ वाटर वाटर है, ओशन है यहाँ पे. तो यहाँ पे सिर्फ वाटर है. तो ये जो कॉन्टिनेंटल फ्लोर है यहाँ से इससे लेके यहाँ तक पूरा है 35 किलोमीटर और ओशियन फ्लोर के यहाँ से है ये सिर्फ इतना है 5 किलोमीटर. मतलब जहाँ पे ओशियन बेड है, जहाँ ओशियन फ्लोर है, उसके नीचे जाएंगे तो क्रस्ट कहाँ तक है, 5 किलोमीटर तक है. ठीक है, और अगर हम कॉन्टिनेंटल से देखेंगे, कॉन्टिनेंटल मासेस से देखेंगे, तो अगर हम 35 किलोमीटर तक जाएंगे अंदर तो वो पूरा लेयर होगा क्रस्ट का और उसके बाद जो है अगला लेयर स्टार्ट होगा. सो हमारे जो कॉन्टिनेंटल मासेस हैं वो मेन दो मिनरल्स से मिलकर बने हैं, सिलिका एंड एलुमिना. तो सिलिका का SI एंड एलुमिना का AL लेते हैं तो क्या बनता है, सियाल. तो इसलिए जो हमारे कॉन्टिनेंटल मासेस हैं उन्हें सियाल भी कहा जाता है. और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसे क्या कहा जाता है, इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. सो हमारी जो ओशियनिक क्रस्ट है, मतलब कि ओशियन फ्लोर के नीचे जो भी क्रस्ट है, जो हमने 5 किलोमीटर वाली बात की थी, तो वो कितने की, वो किससे मिलकर बनी है, वो सिलिका एंड मैग्नीशियम से मिलकर बनी है. और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सीमा. SI सिलिका का एंड MA मैग्नीशियम का, तो सीमा इसको कहा जाता है. तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस पिक्चर में, तो मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो है हमारा क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है. तो ये हो गया ओशियन फ्लोर, राइट, दिस इज योर ओशियन फ्लोर. एंड पर ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 किलोमीटर, राइट. सो जो अर्थ क्रस्ट है ओशियन फ्लोर के नीचे वो है 5 किलोमीटर. और जो कॉन्टिनेंटल से अगर हम देखें, ये हमारा हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. तो यहाँ से लेके पूरा नीचे तक कितना है, 35 किलोमीटर, राइट. आई होप देयर इज नो कन्फ्यूजन इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट. तो जस्ट बिनेथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. तो जो क्रस्ट है उसके नीचे वाला अगला लेयर किस चीज का है, दैट इज ऑफ मेंटल. और मेंटल कितने अंदर तक है, 2900 किलोमीटर तक मेंटल है. तो हियर दिस इज योर फर्स्ट लेयर, दैट इज क्रस्ट. एंड इफ यू विल गो इन साइड द अर्थ अप टू 35 किलोमीटर, यू विल फाइंड द क्रस्ट ओनली. देन बियॉन्ड क्रस्ट मीन्स आफ्टर क्रस्ट विच लेयर केम, दिस इज मेंटल. सो यहाँ तक हो गया क्रस्ट और उसके बाद आया मेंटल. तो मेंटल जो है ये है 2900 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे अगर हम अर्थ के, आफ्टर क्रस्ट. ठीक है, तो क्रस्ट जो है, मान लो हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देख रहे हैं, तो यहाँ तक क्या हुआ, 35 किलोमीटर. नाउ इस 35 किलोमीटर से यहाँ पे कितना है, 2900 किलोमीटर और जाओगे तब आपका मेंटल आपको दिखेगा. तो ये पूरा है मेंटल.
और मेंटल के बाद जो लेयर आती है दैट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, उसे क्या हम कहते हैं कोर, और इसका जो रेडियस है वो है 3500 किलोमीटर का। सो हियर दिस इज योर कोर, देन दिस इज योर मेंटल। अब मेंटल के भी अंदर क्या है, उसके नीचे है कोर, ठीक है, दिस इज योर क्रस्ट, ठीक है, फर्स्ट वन इज क्रस्ट देन मेंटल एंड उसके बाद क्या है कोर आता है। अब कोर जो है उसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पे रेडियस है 3500 किलोमीटर, ठीक है, 3500 किलोमीटर। अगर आप इसका सर्कल बनाओगे तो इस तरीके से रेडियस का, 3500 किलोमीटर का रेडियस, तो इतना पूरा क्या है कोर, और उसके बाद इस तरीके से मेंटल एंड देन देयर इज क्रस्ट, ठीक है। सो टॉप मोस्ट लेयर इज क्रस्ट व्हिच इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सर्फेस, एंड देन कम्स द मेंटल एंड देन कोर, एंड कोर इज द इनरमोस्ट पार्ट, इनरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। एंड जो कोर है वो किससे मिलकर बना है, वो निकल एंड आयरन से मिलकर बना है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नाइफ, NI निकल का एंड FE फेरस, फेरस मीन्स आयरन, ठीक है। तो FE जो है वो आयरन का ले लिया और NI जो है निकल का, तो इससे मिला के क्या बना, नाइफ। तो कोर जो है उसे नाइफ भी कहा जाता है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो जो सेंट्रल कोर है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर है, जहाँ पे इंसान तो अभी तो इम्पॉसिबल ही है जाना, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वहाँ तक हम नहीं जा सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो इस सेक्शन में हमने पूरे लेयर्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं, क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, कोर क्या होता है, तो ये सभी चीज़ें हमने देख ली। नाउ लेट्स डिस्कस सम फैक्ट्स। सो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका, इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप इन सर्च फॉर ऑयल, इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप। तो हमारे अर्थ पर सबसे डीपेस्ट माइन जो है, सबसे गहरी जो माइन है वो है साउथ अफ्रीका में, जो कि 4 किलोमीटर तक लंबी है, और जो इंजीनियर्स थे उन्होंने ऑयल के सर्च में, तेल की खोज में, वो उन लोगों ने 6 किलोमीटर तक गड्ढा खोद चुका है, ठीक है, मतलब 6 किलोमीटर तक अंदर उन लोगों ने खोद चुका है। और अगर आपको अर्थ के सेंटर तक पहुंचना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, दैट इज़ इम्पॉसिबल, तो बट फिर भी अगर हम हाइपोथेटिकली बात करें, इफ़ यू वॉन्ट टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ देन यू विल हैव टू डिग अ होल ऑफ 6000 किलोमीटर। अगर आपको अर्थ के बीच तक पहुंचना है, इफ़ यू वॉन्ट टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आपको 6000 किलोमीटर का गड्ढा जो है खोदना पड़ेगा, तब जाके आप अर्थ के सेंटर पर पहुंच पाओगे, ठीक है। और ये जो 6000 किलोमीटर का जो गड्ढा खोदना है वो ओशियन फ्लोर से, ठीक है, ओशियन फ्लोर से अगर हम 6000 अंदर तक खोदेंगे, 6000 किलोमीटर अंदर तक, तब जाके हमें जो सेंटर है अर्थ का वो मिलेगा, राइट। Crust forms only 1% of the volume of the earth and 84% consists of the mantle and 15% makes the core. तो अगर हम अर्थ के वॉल्यूम की बात करें तो अर्थ का जितना भी वॉल्यूम है उसका सिर्फ और सिर्फ 1% है क्रस्ट, ठीक है, जो टॉप मोस्ट लेयर है वो 1% बनाता है अर्थ के वॉल्यूम का, और सबसे ज़्यादा दो ज़्यादा जो परसेंटेज है पार्ट है वो है मेंटल का, कि मेंटल जो है वो 84% वॉल्यूम बनाता है अर्थ का, और उसके बाद अर्थ के वॉल्यूम के 15% क्या है कोर, ठीक है। तो ये है सिर्फ 1% जो आपका अपर मोस्ट लेयर है, दैट इज जस्ट 1%, एंड दिस मेंटल मेक्स द मोस्ट ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम, दैट इज 84%, जस्ट इग्नोर माय राइटिंग हियर, राइट। सो एंड द इनर मोस्ट लेयर दैट इज कोर, इट इज 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम, राइट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो सेक्शन है वो अच्छे से समझ आया हो, इसमें अच्छे से समझ आ गया हो कि हमारी जो अर्थ है वो किस तरह लेयर्स से बनी हुई है। तो अगर आपको और इसे अच्छे से समझना है, यू कैन चेक दिस इन योर किचन, आप ओनियन लो, उसको पील करो, आप सबसे जो उसका थिनेस्ट लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला लेयर जो होता है, जिससे जो उसकी पील होती है, जिसको हम निकाल देते हैं, कचरे में डाल देते हैं, तो वो आप समझ लो वो क्रस्ट है। फिर उसके अंदर जाओगे तो मेंटल है, और उसके अंदर एकदम सबसे इनर मोस्ट पार्ट उसका जो गोल गोल सा रहता है, तो दैट इज़ योर कोर, ठीक है, फर्स्ट क्रस्ट देन मेंटल देन कोर। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि किस तरीके से जो ओनियन है वो लेयर्स से बनी हुई है, और इसी तरीके से कुछ हमारी अर्थ भी लेयर्स में बनी पड़ी है, और जिसके अंदर तक जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है।